महानगर के सिनेमा रोड स्थित एक होटल में बुधवार को कांग्रेस पार्टी की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रदेश सचिव सचिन नायक मौजूद रहे। बैठक में पहुंचे दर्जनों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रदेश सचिव सचिन नायक ने एक नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने के लिए मंत्र दिया और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर पार्टी के प्रति लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। वहीं पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सचिन नायक ने कहा, बहन प्रियंका जी ने कहा है कि जिस जिले में भी कार्यालय नहीं है वहां पार्टी का कार्यालय खोला जाएगा और पार्टी को मजबूत करने में जो भी दिक्कतें आएंगी उसके लिए जिला अध्यक्षों के अवगत कराने के बाद उनकी पूरी मदद की जाएगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राकेश यादव सहित दर्जनों पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। और वो समय देने का काम आपके ऊपर है। आप इतनी जल्दी गोरखपुर या प्रदेश जनता के रूप में कांग्रेस के लिए हमेशा खड़ा हूँ, बना रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। वर्तमान अध्यक्षगण, जिले के तमाम वरिष्ठ, मैं आप लोग से जैसा कहा गया कि सब लोग अपना प्रश्न दिन में यूथ कांग्रेस की राजा सरिंदर की है। हम लोगों ने हथियार चलाया था, भाग से लिया भी गया था। पूरे शहर के बीचों बीच हमारी 2 एकड़ जगह है। कांग्रेस का कार्यालय भी है पर अभी जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके का नहीं है। बहुत से लोग उस पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, तो कल उन्होंने भी मुझे कागजात दिए हैं और स्वयं प्रियंका जी ने ये कहा है कि हम लोग जितने भी इस तरह के, उन्होंने तो ठीक है ये तो यहाँ हमारा कुछ है, पर उनकी ये भी इच्छा है कि जहाँ हमारे कार्यालय नहीं है जिलों में वहाँ हम कार्यालय शुरू करने का भी प्रयास करें और उसके लिए जो मिनिमम कुछ मदद भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अगर करने की ज़रूरत है तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी भी उसमें कुछ जिला अध्यक्षों को आर्थिक सहायता भी आने वाले समय में कर रही है। तो आपके यहाँ पे जो भी कार्यालय का मसला है, शायद जो कुछ कहा है इन्होंने कि जो कुछ उसमें जो भी मामला है उसकी भी तहकीकात होगी और भी जो प्रकरण एक कोई न्यायालय में चल रहा है उसकी भी जानकारी ली जाएगी और उसको देखते हुए जो भी आवश्यक बात है उसको किया जाएगा।